मैं अपने अनुभव से आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी आप साल में दो बार होने वाली यह परीक्षा है और इसका स्तर काफी ऊंचा है। कह सकते हैं कि इट इज गेटवे टू असिस्टेंट प्रोफेसर। यूजीसी नेट बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है। इस परीक्षा को आपको काफी गंभीर रूप से लेना पड़ेगा। इसकी तैयारी करने के लिए आपको अपनी तैयारी को दो दिशाओं में बांटना पड़ेगा। भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी। आप सिलेक्टेड बुक उठाइए। मेरा यह मानना है कि 40% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आपको मिलते हैं। कहूंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी आप पीजी में जाते के साथ शुरू कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं बता दूं आपको, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार बेगूसराय में इन्हें कौन नहीं जानता है। ये एक मेंटर हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु सर। आज इनसे हम यूजीसी नेट के बारे में सारी जानकारी देंगे। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपको और डॉक्टर रोशन सर की पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई। आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया है और आज का विषय है यूजीसी नेट की तैयारी कैसी हो। तो मैं एनटीए यूजीसी नेट के बारे में अपने अनुभव को बताना चाहूंगा जी। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है यह कुल मिलाकर 300 अंकों का होता है, जिसमें दो पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और दूसरे पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। तो इस तरह से यह बाइफरकेट होता है। लेकिन साल में दो बार होने वाली यह परीक्षा है और इसका स्तर काफ़ी ऊंचा है। और भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पूरे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप कह सकते हैं कि इट इज़ गेटवे टू असिस्टेंट प्रोफेसर। और आप अगर शिक्षण में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं तो यूजीसी नेट बाध्यता है। हालांकि कई राज्यों में स्लेट की भी सुविधा है, स्टेट लेवल इंटरव्यू टेस्ट जी। लेकिन यूजीसी नेट बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है जी। और इसकी तैयारी आपको एक विशेष दिशा के साथ करनी पड़ेगी। इस परीक्षा को आपको काफ़ी गंभीर रूप से लेना पड़ेगा। एनटीए लगभग 83 सब्जेक्ट में, इसको 83 सब्जेक्ट्स में इसे आयोजित करती है, जिसमें मुख्य पेपर्स जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, बहुत सारे विषय हैं। कुल मिलाकर 83 सब्जेक्टों की सूची है जी। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी करने के लिए आपको अपनी तैयारी को दो दिशाओं में बांटना पड़ेगा जी। एक पेपर वन जो सबों के लिए कॉमन है, और एक पेपर टू जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो पेपर वन जो है उसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस होते हैं, और यह बाइफरकेट किया हुआ है 10 डिविजन्स में। और उसी तरह से पेपर टू जो है उसमें भी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस होते हैं, और वह भी 10 पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है। तो मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ तीन विषयों के ऊपर, एजुकेशन, हिंदी और इंग्लिश के ऊपर। तो पेपर वन कॉमन पेपर है जी। तो पेपर वन का जैसे सब्जेक्ट है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर है आपको शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर बोर्ड है, आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, पैसेज होता है, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि यूजीसी नेट में वर्तमान समय में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंकों का अधिभार है, और किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अन्य पेपर में आपको संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है जी। इसके अलावा जो अन्य सेगमेंट है जी, वो आपको युक्तियुक्त तर्क है, आंकड़ों की व्याख्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है जिसको हम लोग ICT कहते हैं, लोक विकास और पर्यावरण है, उच्च शिक्षा प्रणाली है जी। मैं अपने अनुभव से आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी आप जो है 2005 से क्वेश्चन उठाएं और 2023 तक के सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लें। 2005 से लेके 19 तक का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट बेस के लिए वो आपको एक अच्छे तरीके से काम करेगा। और UGCnet.com के वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो सभी विषयों के 2005 से लेकर 2023 तक के सॉल्व क्वेश्चन उपलब्ध है, और ये क्वेश्चन
उपलब्ध है और जो इनका आंसर की है लगभग सटीक है। मैं यह नहीं कह सकता कि 100% एक्यूरेसी है, लेकिन एक्यूरेसी रेट बहुत बेहतर है, 98-99% से कम नहीं है। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आप यह करिएगा कि जैसे आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं सेगमेंट वन का, जैसे सेगमेंट वन है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें 5 क्वेश्चन है, तो आप 5 क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन के साथ कुल 4 विकल्प है, तो आप सारे विकल्प को बनाइए, एक विकल्प सही होना है, अन्य विकल्प सही नहीं होना है। या कुछ क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए आपको इनमें से सभी का उत्तर हो सकता है, तो जो 4 विकल्प सही नहीं है या जो 3 विकल्प सही नहीं है, जब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका प्रिपरेशन का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि एनटीए नेट में आप देखिएगा जो पेपर 1 का क्वेश्चन है वह ऑलमोस्ट कोरिलेटेड आता है, सेम तो नहीं आता है लेकिन ऑलमोस्ट कोरिलेटेड आता है। तो आप जैसे 50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, और अगर आप विकल्प सही तैयार करते हैं जो ऑप्शंस 4 हैं या 5 हैं, तो वहां पे आपके साथ बेनिफिट यह होता है कि एक पेपर में आप 200 क्वेश्चन तैयार करते हैं, भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी। आप सिलेक्टेड बुक उठाइए, जैसे मेरा अपना मानना है इंग्लिश के लिए 2-3 बुक उठाइए, हिंदी के लिए भी 2-3 ही बुक बताइए, एजुकेशन के लिए बताओ 2-3 ही बुक उठाइए। लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि एक साथ कई किताबों के माध्यम से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बट यदि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो एक सीमा तक आपकी तैयारी अधूरी रहने वाली है। मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि आप महसूस कीजिएगा जैसे आप अंग्रेजी का 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेपर 2 में, तो 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो 3 और या 4 विकल्प, जो विकल्प हो सकता है सभी विकल्प सही है और हो सकता है 4 विकल्प गलत हो, तो उस केस में आप 1 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आप 5 क्वेश्चन को रेडी कर रहे हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो उसका आंसर भी होगा, और आप कुछ नहीं करें, हिंदी में, एजुकेशन में और इंग्लिश में, इन 3 पेपर को मैं बात कर रहा हूँ, आप विकिपीडिया पे चले जाएं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और विकिपीडिया से जो भी आपको नेसेसरी मटेरियल मिलता है आप उसको रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। आप अपने स्टडी स्किल में इसको बिल्कुल शामिल कर लें, जैसे मान लीजिए कि आपको एक लर्निंग आता है तो आप लर्निंग उठाइए, लर्निंग का डेफिनेशन देखिए विकिपीडिया पे क्या है, ठीक है। बुक है, बुक्स उपलब्ध है, जैसे SP गुप्ता की बुक उपलब्ध है, कुलशेष सर की बुक उपलब्ध है, मतलब विकिपीडिया से उठाइए तो आपको लर्निंग का एक टॉपिक मिलेगा, आप लर्निंग का डेफिनेशन जो है उसको स्टडी स्किल के जरिए वो रिकॉर्डिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 10 मेजर जो साइकोलॉजिस्ट है उनका क्या व्यू है लर्निंग के बारे में, उनका क्या डेफिनेशन है, आप उसको तैयार कर लीजिए, तो इससे आपको क्या होगी बहुत सारे विकल्प आपके पास तैयार हो गए, और जो लर्निंग का जो एक सेगमेंट है उस पर आपका नोट्स रेडी हो गया। अब आप देखिए कि लर्निंग से रिलेटेड जो सिद्धांत है, ठीक है, थियोरी है, जैसे थॉर्नडाइक का क्या थियोरी है, गैने का क्या सिद्धांत है, ठीक है, आप चलिए पेवलव का क्या सिद्धांत है, स्किनर का क्या सिद्धांत है, तो आप इसकी तैयारी बृहद रूप से बुक के साथ साथ विकिपीडिया से कीजिए। मैं यह ट्रेंड महसूस कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से कि UGC नेट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी में, एजुकेशन में, इंग्लिश में, इन 3 पेपर में खास करके, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको विकिपीडिया से मैच कर जाएंगे और शायद बुक में ढूंढने में शायद आपको तकलीफ होगी, क्योंकि बुक्स की संख्या बहुत ज्यादा है और शायद कोई भी एक अकेली किताब या 2-3 किताब आपके तैयारी को उतना बृहद स्वरूप नहीं दे सकती। यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ NTA नेट के ट्रेंड से कि विकिपीडिया से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को आप जब भी सॉल्व करिएगा तो UGCnet.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, वहाँ पे हर विषय के 2005 से लेके 2023 का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन है वह है और उसका आंसर भी है। बहुत रेयर केसेस में आपको आंसर में अनोमली मिलेगा, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं जी। क्या मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने बहुत मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के बारे में बोला है, तो क्या मदद मिलती है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना? UGC नेट में तो बिल्कुल मदद मिलती है। UGC नेट में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मॉक टेस्ट भी कुछ स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन मैं मॉक टेस्ट में बहुत बिलीव नहीं करता, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बिलीव करता हूँ। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप यदि यूजीसी नेट में सॉल्व कीजिएगा तो प्रैक्टिस करते करते एक लेवल ऐसा आ जाता है कि
आपका 40% जो क्वेश्चन है, 35% जो क्वेश्चन है, आप उसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, यानी वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सपोज कीजिए कि फोर आपके पास ऑप्शंस है, आपने अगर दो एलिमिनेट कर दिया तो दो ही विकल्प बचे हैं आपके पास जी। लेकिन यदि आपकी तैयारी अधूरी है तो फिर चारों विकल्प के बीच आपको चेंज करना है, तो वहां पे कंफ्यूजन का लेवल बहुत अप हो जाता है। और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे 2005 से लेकर 23 तक का, मेरा यह मानना है कि 40% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आपको मिल जाएंगे जी। तो यह आपकी तैयारी को बहुत बड़ी दिशा दे देगा। और जो बचे क्वेश्चन है, मान लीजिए जो 60% क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, वहां भी आप कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ दो तीन आंसर को आप एलिमिनेट कर देंगे, वो आपको काफी तैयारी में मदद करेगी जी। यूजीसी नेट जो होता है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है सर, और मास्टर डिग्री के बाद ही आप यूजीसी नेट करते हैं। तो मेरा ये सवाल है और बहुत जनता का भी ये सवाल है कि यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन होता है वो कब से करना चाहिए? मेरे अनुभव से आप अगर कहेंगे तो मैं कहूंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी आप पीजी में जाते के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि पीजी अपियरिंग के बच्चे भी यूजीसी नेट में बैठ सकते हैं। और यदि आप पीजी फर्स्ट ईयर से इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आपका समय के साथ साथ प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा, समय के साथ साथ आपकी समझ बढ़ेगी। और जैसे ही आप पीजी अपियरिंग में है या फाइनल ईयर में, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम अपियर कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार एग्जाम को क्रैक कर लिया तो उसमें दो प्रावधान है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आप जीआरएफ के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कुल 6% छात्र क्वालिफाई करते हैं, इसमें 1% जीआरएफ के लिए और 5% बच्चे क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जीआरएफ को लेके बहुत सारे सवाल हैं सर, कुछ जीआरएफ तो सिंपल मैंने बता दिया कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट में टॉप 1% में है, मतलब कुल 6% में जो टॉप 1% में है उनको यह मिलता है जी। तो जीआरएफ मेरे लिहाज से बहुत बेहतर है, बट यह डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन लेवल पर। मैं एनटीए नेट इंग्लिश से भी हूँ, एजुकेशन से हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने जीआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है। जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने प्रिपरेशन लेवल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेकर चलना होगा जी। वो बोलते हैं कि 6 महीने में तैयारी हो जाता है, 3 महीने में तैयारी हो जाता है, तो आपको क्या लगता है यूजीसी नेट का तैयारी मतलब मैं सहमत मिनिमम में होना, कितने मिनिमम में हो सकता है? अपने अनुमान से कम आपको 6 महीने की तैयारी, मैं वो कम से कम कह रहा हूँ जी, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि केवल 6% लोगों का सिलेक्शन होता है, यानी इसका एग्जाम का लेवल जो है वो बहुत स्टैंडर्डाइज है जी। और मैं ये नहीं कहता 25% लोग निश्चित तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, फिर भी मेरे लिहाज से आपको अगर एनटीएजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आप मिनिमम 6 महीने का टाइम फ्रेम और या 1 साल का टाइम फ्रेम लेकर चले, उसमें दबाव भी कम होगा, तनाव भी कम होगा। और जो लोग एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हैं या एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने में। लेकिन मेरा अपना मानना है जो सामान्य छात्रों का लेवल है, जैसा हम लोगों का लेवल है, तो आपको कम से कम यूजीसी नेट की तैयारी के लिए 6 महीने का समय वह भी पूरे डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी के नेट के एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है मेरे लिहाज से ये इंडिया में वन ऑफ द मतलब मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन जी। आपने तो बहुत सारे सवाल के जवाब दे दिए यूजीसी नेट के बारे में, तो एक और सवाल है सर, करियर ऑप्शन क्या क्या होता है इसमें? यूजीसी नेट करने के बाद आपके पास जो करियर ऑप्शंस है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों में है, और बहुत कवेटेड, मतलब आप कहा जाए कि आज के डेट में यूजीसी नेट जो है बहुत कवेटेड आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन है। तो आपको सरकारी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजेज में, ठीक है, दोनों नौकरी करने का ऑप्शन खुल जाता है। और यूजीसी नेट वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी और पैकेज भी काफ़ी अच्छी होती है जी। क्या यूजीसी नेट करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है युवाओं के लिए? तो मेरे लिहाज से एक बहुत शानदार ऑप्शन है। दूसरा, यूजीसी नेट करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका एकेडमिक इंटेलिजेंस दिखता है, उनका एकेडमिक ब्रिलियंस दिखता है, और मुझे लगता है कि नेशनल ग्रोथ के लिए युवाओं को बड़ी संख्या में इस एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहिए जी। एक मेरा पर्सनल
सवाल है सर, यूजीसी नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और बीपीएससी जो अभी एग्जाम दे रही है उसे भी टीचर बनते हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन की बात तो मैं नहीं कर सकता, दोनों दो मार्ग है। बीपीएससी तैयारी के माध्यम से बच्चे शिक्षक, बिहार सरकार में शिक्षक नियुक्त होते हैं जी, तो इसका दायरा वो कहा जाता है ना आसानी, कौन सा रास्ता आसान का आसानी रास्ता है। मैम की बीपीएससी तैयारी यूजीसी नेट की तुलना में दोनों में लेवल का अंतर है। बीपीएससी तैयारी का जो लेवल है वो 1-12 है, हालांकि आज की तिथि में अगर मेरी राय मांगेंगे तो बीपीएससी तैयारी के लिए भी आपको बहुत अधिक तैयारी की जरूरत है, लेकिन दोनों के लेवल इसलिए अंतर है कि बीपीएससी तैयारी के माध्यम से जो सिलेक्शन होता है वह कक्षा 1 से लेकर 12 तक होता है, और बीपीएससी तैयारी में जब आप सीटों की संख्या देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग क्वालिफाई कर गया है, जबकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब रिक्तियां देखेंगे किसी भी स्टेट में, मैंने कभी भी पूरे लाइफ में आज तक 3-4 हजार या 5 हजार से ज्यादा रिक्तियां नहीं देखी, ज्यादातर स्टेट में इसकी संख्या काफी कम होती है, तो तय है कि दोनों के जो फिल्ट्रेशन है उसमें अंतर है काफी अंतर, बिल्कुल अंतर जी। यूजीसी नेट के कट ऑफ मार्क्स को लेके बहुत लोगों में दिक्कत होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। मैम कट ऑफ तो प्रेडिक्ट नहीं मैं कर सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखिएगा कि ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है, कट ऑफ बहुत अधिक नहीं होता, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में उठा लीजिए, जनरली जो जनरल का कट ऑफ है वो 58-59% के आसपास होता है, और जैसे जैसे अदर कैटेगरी में आते हैं थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्सेशन मिलता चला जाता है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का लेवल इतना स्टैंडर्डाइज होता है कि 58% का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए ज्यादा लगता है कि यदि कोई आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि कुल 6 लोग का ही सिलेक्शन होना है 100 में, तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होता, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वह काफी मैम उलझाने वाला होता है। और आप समझिए कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो जिस क्वेश्चन में आपको एक से अधिक विकल्प सही है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है, विकल्प सी भी है, तो एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि यूजीसी नेट में कई बार अच्छे बच्चे भी चढ़ जाते हैं जी। उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। यूजीसी नेट में आप महसूस कीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट की बड़ी समस्या है जी। तो मैं जनरली मॉक टेस्ट में बिलीव नहीं करता, लेकिन यूजीसी नेट के रेफरेंस में मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और कुछ अच्छे भी मॉक टेस्ट हैं, जैसे इंग्लिश में देखिएगा तो arpitakharwa.com का, विनीत सर का, इन लोगों का जो मॉक क्वेश्चंस का लेवल है वो बेहतर है। तो यूजीसी नेट में मैं आपको समर्थन देता हूँ, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर स्टैंडर्डाइज मॉक टेस्ट है तो अगर साधारण क्वेश्चन है आप उसके आधार पर यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यूजीसी नेट का आपको प्रिपरेशन करना है तो यू हैव टू गो फॉर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस, यू हैव गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गो फॉर सिलेक्टेड बुक्स। यूजीसी नेट की तैयारी आप बाजार में उपलब्ध साधारण नोट्स से या बाजार में उपलब्ध साधारण गाइड से नहीं कर सकते। यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और मैंने कहा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए, स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हर विषय के लिए 2-3 उपलब्ध हैं, इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इन 3 विषयों में जो मेरा, आप विकिपीडिया का इस्तेमाल कीजिए और विकिपीडिया से आप स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कीजिए, और आप हफ्ते में एक दिन जरूर जो आपने मटेरियल्स को कलेक्ट किया है आप एक बार देखिए, आप महसूस कीजिएगा कि यदि आप पीरियडिकल रिव्यू कर रहे हैं जो आपने स्टडी मटेरियल तैयार किया है, तो 2-3 महीने के बाद आपका मेमोरी इतना शार्प हो जाएगा कि आप जनरली जो तैयार किया हुआ स्टडी मटेरियल्स को भूलेंगे नहीं जी। कोई ऐसा विशेष टिप्स है सर जो टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट मतलब करने में काम आए, कोई टिप्स है आपको? यूजीसी नेट में तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है जी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो आपने कहा,
आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, स्टैंडर्डाइज्ड मॉक टेस्ट यदि उपलब्ध है तो तैयार कीजिए, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्योंकि यूजीसी नेट में टाइम मैनेजमेंट आपको देखना और पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आएगी। मैं बराबर बच्चों से सुनता हूँ, सर मैं क्वेश्चन ही हिट नहीं कर पाता जी, वो समस्या है। इसलिए समस्या है कि मैंने क्या कहा, आपको 40 से 50 सवाल वैसे होते हैं जहां आपको एक से अधिक ऑप्शन को चुनना है। ऑब्वियस है कि आप जब तक ऑप्शंस पढ़ेंगे नहीं आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो समझिए कि 50 क्वेश्चंस जिसमें दो तीन ऑप्शंस आपको चुनना है तो ऑलमोस्ट आपने 150 क्वेश्चन को स्ट्राइक कर दिया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की समस्या आती है और इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा खुद से। आपको मतलब समझिए कि टेबल क्लॉक को रख कर देखना पड़ेगा कि आप कितने समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट के लिए? कोई स्पेसिफिक किसी बुक को तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता जी, लेकिन हर एक विषय के लिए बुक उपलब्ध है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन के लिए आप एसपी गुप्ता सर की किताब ले सकते हैं, आप कुलश्रेष्ठ सर की किताब ले सकते हैं, आप मनोविज्ञान के लिए एजुकेशन में मनोविज्ञान के लिए और मनोविज्ञान विषय के लिए डॉक्टर अरुण कुमार सर की पुस्तक ले सकते हैं। उनकी दो पुस्तक आती है जी। एक व्याख्यात्मक है और एक आपको ऑब्जेक्टिव है जी। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पेपर जहाँ तक पेपर वन का सवाल है तो पेपर वन में आप अब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके आधार पर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि अभी मतलब ऑलमोस्ट पेपर वन के लिए कोई भी सफिशियंट बुक उपलब्ध नहीं है। पहले एसपी मदन सर की बुक हुआ करती थी लेकिन आज के सिनेरियो में काफी चेंज हो गया है। आप किस बुक से पढ़े? मैं तो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से, आई एम वेरी ट्रू कि मैंने जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी अपने लाइफ में किया तो मैंने जो आधार बनाया है मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है उसको आधार बनाता हूँ। और मेरी कमजोरी है विकिपीडिया, मैं विकिपीडिया का बहुत इस्तेमाल करता हूँ और मैंने महसूस किया है चाहे बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो या फिर आप यूजीसी नेट का एग्जाम है, विकिपीडिया से आपको मदद मिलेगा इसमें कहीं को दौरान है। 20-25% जो क्वेश्चन हैं वो आपको विकिपीडिया से हेल्प आउट करता है जी। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपका और रोशन सर की पूरी टीम का धन्यवाद दोबारा आमंत्रित करने के लिए। उम्मीद है कि भविष्य में भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद जी। यूजीसी नेट से जुड़ी कोई भी सवाल या राय आपको जाननी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देखते रहें केवी न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं रक्षिता भारद्वाज, मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।